हेलो, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमें हॉस्टल 6 के सामने, तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको हॉस्टल 6 कैसा है। हॉस्टल 3 फ्लोर का हॉस्टल है और ये देख सकते हैं आप, हॉस्टल अच्छा हॉस्टल बनाया है। ये राइट साइड रही इसकी और अपनी एक बाउंड्री है हॉस्टल की, उसके अंदर है और ये रहा लेफ्ट साइड। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको क्या क्या है हॉस्टल में। अभी तो काम चल रहा है 15 नवंबर से। चलते हैं अंदर और जैसे कि अंदर घुसते हैं तो जैसे आप जब घुसेंगे तो लेफ्ट साइड में बैठने का एरिया, जैसे कोई आपका दोस्त होता है दूसरे हॉस्टल का तो उसके साथ यहाँ बैठ सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये बाहर बैठने का हॉस्टल के टाइम में आ सकते हैं। अभी हम जावादोशी से बात की तो जावादोशी के साथ चलते हैं। और जावादोशी, और ये जावादोशी के बगल वाला रूम है और ये 2 सीटर रूम है। और ये जावादोशी है जो आपने देखे अभी, और ये 2 सीटर रूम है। ये एक अलमारी बड़ी और एक अलमारी छोटी, और ये ड्रॉर टाइप, और ये रही 2 सीटिंग रूम का टॉयलेट बाथरूम। तो देख सकते हैं टॉयलेट तो अच्छा है, टॉयलेट बाथरूम तो 2 सीटर रूम का, अगर टॉयलेट बाथरूम अटैच है तो ये अच्छी बात है। और चलते हैं, ये हमारी राइट साइड वाली विंग है हॉस्टल की और रूम नंबर 122। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है। तो ये यहाँ पे 4 सीटर रूम है, रूम नंबर 122। उसके सामने वाला रूम, मतलब ये इन्होंने गद्दे वद्दे लगा दिए, फोटो वोटो तब वीडियो वगैरह जो बनाने हैं उनके लिए। ये रूम नंबर 140 था। और इसी रूम में राइट साइड की विंग का ये किचन रहा। किचन तो काफ़ी बड़ा है और 5 गैसेज हैं, लेकिन गैसेज वाला नहीं, इंडक्शन वाला है। किचन तो काफ़ी बड़ा है और अच्छा है किचन तो। ये राइट साइड वाली विंग का किचन है और ये आप देख सकते हैं, और लेफ्ट विंग है और ये इसके बाहर का एरिया है हॉस्टल के। हॉस्टल यू शेप में है, ये देख सकते हैं। चलो चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको और रूम कैसा है। पहले मैं आपको पूरी एक राइट विंग दिखा देता हूँ। ये रहा 4 सीटर, किचन के जस्ट सामने वाला रूम भी 4 सीटर है। और यहाँ पर ये नहीं पता कौन सा रूम 2 सीटर है, कौन सा 4 सीटर है, कौन सा क्या है। और ये आप देख सकते हैं, ये कपड़े धोने का है, यहाँ पे आप आपके कपड़े धो सकते हैं। कपड़े धोने के लिए रूम, ये भी 4 सीटर रूम है कपड़े धोने वाले के सामने, मतलब लॉन्ड्री रूम के सामने। और चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। लेकिन इस हॉस्टल में ये नहीं पता कौन सा 2 सीटर है, कौन सा 4 सीटर है, कौन सा 6 सीटर है, रैंडम रूम है। मतलब जावेदोशी इसी, मतलब पहला रूम राइट विंग का जावेदोशी का रूम था, जावेदोशी मतलब वार्डन का, उसके बजस्ट वगैरह वाला 2 सीटर था। और मोस्टली रूम 4 सीटर है और 6 सीटर रूम भी देखते हैं कहाँ है अभी। और ये तो सारे 4 सीटर रूम है। ये राइट विंग है और ये राइट विंग एंड हो जाएगी, तो ये सारे रूम 4 सीटर ही है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, हाँ सारे मोस्टली 4 सीटर है। और ये रही हमारी राइट विंग ख़त्म हो गई, और राइट विंग ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए लास्ट में, तो ये राइट विंग है। चलते हैं जब दिखाते हैं आपको 4 सीटर रूम, जो जिसमें गद्दे वद्दे सब डाल के रेडी करके रखा है रूम। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें गद्दे वद्दे, 4 स्टूल हैं, एक टेबल है और एक बड़ी अलमीरा है और एक छोटी अलमीरा और एक ड्रॉर वाली की। और हॉस्टल रूम में हमारे में 2 अलमीरा बड़ी होती हैं और एक छोटी, और 2 तंबोज का टाइप होती है। और ये देख सकते हैं रूम ये रेडी रखा रखा है। दिखाते हैं टॉयलेट, टॉयलेट बाथरूम अच्छे हैं। और अभी जावेद उसी से पूछते हैं कि 6 सीटर रूम कहाँ है, 6 सीटर रूम भी दिखाते हैं आपको। ये रहा 142 नंबर रूम नंबर 6 सीटर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं टॉयलेट बाथरूम का, 6 सीटर रूम का टॉयलेट बाथरूम काफ़ी बड़ा है। और आपको दिखाते हैं ये रूम कहाँ का है, ये इसमें तो कवाड़ ही कवाड़ दिख रहा है, अलमीरा ही अलमीरा है। ये रहा 6 सीटर रूम और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रूम है, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे 3 टेबल है और ये AC भी रख रखी है इन लोगों ने। यहाँ पे बड़ी अलमीरा, 3 बड़ी अलमीरा है, 3 बड़ी अलमीरा है और 2 छोटी, और 4 पांच ये हैं ड्रॉर वाले। स्टूल भी मज़बूत है, हमारे हॉस्टल वाले स्टूल इतने मज़बूत नहीं। चलते बाहर और दिखाते हैं आपको, चलते हैं दूसरी साइड। ये रहा, ये रही राइट विंग। अब चलते हैं हम लोग 2nd फ्लोर पे। ये सामने रूम देखते हैं, ये भी खाली है, ये पता नहीं 2 सीटर है 3 सीटर, ये लोग काम कर रहे हैं। तभी चलते हैं आप हम लोग लेफ्ट वाली विंग में। तो ये सीढ़ी है, मतलब दोनों तरफ सीढ़ी है और
विंग के लास्ट में भी सीढ़ी है, चलते हैं आपको दिखाते हैं। जैसे ये हॉस्टल के गेट के सामने है, बिल्कुल हॉस्टल टू की तरह ही है, ऐसी हमारे हॉस्टल रूम है। और ये रहा आपका बैठने के लिए, ये गेट की ओर बैठिए। तो चलते हैं आपको ऊपर दिखाते हैं, सेकंड फ्लोर, यहाँ सेकंड फ्लोर, ये सीढ़ी सारी सीढ़ी चलते हैं। उस सीढ़ी की तरफ काम चल रहा था तो इसलिए उधर से नहीं गए, क्योंकि वो लोग काम कर रहे थे, लाइट भी ऑफ थी उस साइड की, इस साइड से लाइट ऑफ। चलते हैं आपको दिखाते हैं सेकंड फ्लोर। अब की बार हम लोग लेफ्ट विंग देखेंगे, राइट विंग हमने फर्स्ट फ्लोर की देख ली, ऊपर नीचे सब सेम ही रहते हैं। तो ये काफ़ी स्पेसियस एरिया है, यहाँ पे शायद ये रीडिंग रूम बनाएंगे ये लोग, रीडिंग रूम। और ये रहा सामने सेकंड फ्लोर के राइट विंग के सामने का रूम, ये है 6 सीटर रूम, काफ़ी बड़ा रूम है जैसे कि आप देख सकते हैं, रूम तो अच्छा खासा बड़ा है। और यहाँ पे अलमारी कवर्ड भी बहुत ज़्यादा है, और 6 सीट काफ़ी ज़्यादा कवर्ड ववर्ड है इसमें। तो ये रहा सेकंड फ्लोर पे, ये मतलब दोनों साइड में इन लोगों ने यहाँ पे रीडिंग रूम बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे शायद रीडिंग रूम नहीं होगा, तो इसलिए सेकंड फ्लोर के दोनों साइड ये लोग रीडिंग रूम बना देंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी सही एरिया है, बड़ा रीडिंग रूम बनेगा, चाहे आप उस साइड बना या साइड बना। ये हम लोग राइट विंग में आए हैं, ये रूम एक फ्लोर पर 53 रूम है, ये 253 रूम है, 2 सीटर रूम है ये, ये भी 2 सीटर रूम है, 252। मतलब ऐसा है कि राइट साइड का पहला रूम 2 सीटर है और लेफ्ट साइड का पहला रूम 6 सीटर है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है कोई भी। ये 6 सीटर रूम है जो मैंने आपको नीचे दिखाया था। तो अब मैं आपको लेफ्ट रूम दिखाता हूँ, चलते हैं। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी रूम 2 सीटर, कोई भी 4 सीटर, अभी मतलब रेंडम तरीके से ही है। ये तो आप देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरी रीडिंग रूम के लिए एरिया बना है। मैं आपको लेफ्ट विंग में दिखाता हूँ कैसा है लेफ्ट विंग। तो ये हम लोग लेफ्ट विंग में हैं सेकंड फ्लोर की, तो ये देख सकते हैं, चलते हैं अंदर को। हाँ, और एक किचन है बड़ा सा, और एक कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री रूम है। तो यहाँ ये भी है, तो ये रहा सेकंड फ्लोर का लेफ्ट विंग का किचन। ये काफ़ी बड़ा है, मतलब राइट विंग के फर्स्ट फ्लोर के किचन से ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे मतलब 5 गेस्ट हैं, और लेफ्ट राइट विंग में एक एक किचन है और एक एक कपड़े मतलब लॉन्ड्री रूम, ये लॉन्ड्री रूम है। चलते हैं हम लोग थर्ड फ्लोर पे, वो दिखाते हैं थर्ड फ्लोर पे क्या है। तो जैसे कि नीचे जैसे नीचे है वैसी सेम चलेगा। तो ये सामने वाला रूम आपको 301 6 सीटर ही होगा ये, और ये थर्ड फ्लोर पे, ये बड़ा सा एरिया। यहाँ पे देखो क्या बना है, अभी पूरा काम चल रहा है, कब तक देखो काम फिनिश हो। और ये रहा थर्ड फ्लोर का, यहाँ पे रीडिंग रूम बनाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड, पीछे की साइड के यू शेप में कैसे। तो जैसे कि आप दिखाता हूँ ये, तो ये आप जो लेफ्ट में देख रहे हैं मेरे, ये है लेफ्ट विंग, ये राइट में राइट विंग। और ये सामने भी देख सकते हैं इसके हॉस्टल के पीछे का व्यू, मतलब व्यू तो बहुत मस्त है। और यू शेप में हॉस्टल है, ये राइट विंग सामने वाली विंग। और ये देख सकते हैं ये गेट है, और ये यहाँ पे इसके पीछे बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, और उसको थर्ड फ्लोर से अटैच कर दिया न्यू बिल्डिंग के साथ। तो हम देख सकते हैं ये बिल्डिंग शायद उसको जब हॉस्टल बन जाए तो उसको रिनोवेट करके उसको भी चालू करें, तभी तो ये बंद है शायद। और ये देख सकते पूरा मतलब एक बाउंड्री है हॉस्टल की, उस मतलब बाउंड्री के अंदर ही हॉस्टल है। देख सकते हैं हम लोग हैं भी हॉस्टल की राइट साइड में। तो हॉस्टल तो अच्छा है, मतलब बगमू के सबसे अच्छे हॉस्टलों में से एक है, हॉस्टल तो काफ़ी अच्छा है और रूम भी अच्छे हैं। वो सबसे मेन बात टॉयलेट बाथरूम अटैच है, बस एक ही परेशानी है कि बस दूर है। तो मतलब हॉस्ट यूनिवर्सिटी से 15 किलोमीटर के आसपास होगा, आराम से 15 किलोमीटर के आसपास ही आप देख सकते हैं। और अंडरग्राउंड भी शायद जिम विम बनाएंगे भी, तो अंडरग्राउंड तो बनता नहीं, जा नहीं सके। तब देख सकते हैं ये जावेद होशी की कार खड़ी है, और ये जो पहला रूम दिख रहा है यहाँ पर लाइट चली है, जावेद होशी का रूम है। हाँ, हॉस्टल अच्छा है, और एरिया मतलब एक बाउंड्री वाउंड्री है, हॉस्टल तो काफ़ी अच्छा है। ये राइट साइड में गेट है इसका। हाँ, मिनिमम मतलब 2 बस चलती हैं, 51A और 228। और बस स्टॉप तो जस्ट पास में ही है, थोड़ी सी आगे जाके। और यूनिवर्सिटी जाने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा मिनिमम लगेगा लगेगा, और टैक्सी से 25 मिनट्स में आप पहुँच जाएंगे। हॉस्टल तो अच्छी है, हॉस्टल तो मतलब बगमू के जो हॉस्टल में अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छी है, उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्टल है।
बस बस एक ही है कि बस दूर है, बाकी तो कोई कमी नहीं है। वो नीला नीला आपको दिख रहा है, अगर वो चालू होगा, वो पानी का है, अगर वो चालू हुआ तो आपको पानी भी मिल जाएगा, मतलब 3 रूबल में 1 लीटर पानी हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, बनाया तो बहुत मस्त है हॉस्टल।